खबरों की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल अब खास हो गए हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जिंदगी वीआईपी की हो गई है। हालांकि पहले केजरीवाल कह चुके हैं कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका घर और दफ्तर सब कुछ वीवीआईपी ही है। केजरीवाल को दिल्ली की भगवान दास रोड पर बंगला मिला है। डुप्ले बंगले से ही केजरीवाल अपना घर और दफ्तर दोनों चलाएंगे। आपको बता दें कि ये जो बंगला है, 5 कमरों वाला ये बंगला है। 2 बंगले अगल बगल में है, जिसमें एक ऑफिस रहेगा और एक घर। और इस बंगले की क्या क्या खासियतें हैं, नए मुख्यमंत्री के लिए नए बंगले में क्या क्या सुविधाएं होंगी, बताएंगे हमारे संवाददाता अनुराग ढांडा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घर पसंद कर लिया है और हम आपको उस घर की एक्सक्लूसिव झलक दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा घर किस तरीके से सजाया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नया पेंट फ्लोरिंग, आप देखें किस तरीके से डिज़ाइनर फ्लोरिंग यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार किया गया, टाइल्स लगाई गई हैं पूरा। अगर आप अंदर तक हम इस पूरा आपको घर दिखाएं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो नया घर तैयार किया गया है, ये पूरा का पूरा ये गैलरी आती है, जिससे होकर के ये किचन है और किचन के साथ में ही ये 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 किचन है यहाँ पर, इसको भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। और किचन के साथ में ही आप देखें तो पीछे लॉन है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने फैमिली के साथ आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से यहाँ पर इस लॉन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। पूरे तरीके से ग्रीनरी यहाँ पर होगी। और इस घर में 2 फ्लोर हैं पूरे तरीके से अगर देखें तो, इस घर में 2 फ्लोर हैं। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो जो बगल का जो घर है, वहाँ पर सीएम का कैंप ऑफिस होगा, उस कैंप ऑफिस को तैयार किया जा रहा है। और यहीं से एक रास्ता उस कैंप ऑफिस तक जाएगा, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने घर पर रहते हुए घर के साथ के ही कैंप ऑफिस में काम कर सकते हैं, पूरा मंत्रालय का काम कर सकते हैं। और ये अगर आप देखें किस तरीके से कि दूसरे फ्लोर पर अब हम आपको लेकर के चलते हैं, 2 फ्लोर हैं इस घर में, दूसरे फ्लोर पर हम आपको लेकर के चलते हैं। वो रास्ता यहीं से गुजरता है, आप देखिए यहाँ पर घर के अंदर से ही ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों के साथ में ही अगर आप देखें तो एक और रूम यहाँ पर है, 2 कमरे इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से हैं। एक ड्राइंग रूम है, उसके अलावा 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, एक कमरा ये है और उसके साथ ही अगर देखें तो दूसरा कमरा यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर जो है वहाँ पर अब हम आपको लेकर के चलते हैं। ये एक्सक्लूसिव झलक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए घर की, जो पूरी तरह से तैयार है शिफ्टिंग के लिए। और कभी भी अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं। उनका परिवार ये पूरा घर देख चुका है, आप देखें कि किस तरीके से इस बेडरूम से भी बाहर लॉन की तरफ रास्ता निकलता है। ये पूरा का पूरा घर जो है वो तैयार किया गया है ख़ास अरविंद केजरीवाल के लिए। उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में रहने के लिए कहा है कि अब मैं दिल्ली में ही रहूँगा, और उसके लिए ये पूरा घर तैयार किया गया है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये पूरा घर है। हम इस घर के दूसरे फ्लोर पर आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ पर और भी बेडरूम्स हैं, उनको किस तरीके से सजाया गया है, उनको किस तरीके से तैयार किया गया है, वो भी झलक हम आपको दिखाएंगे। दूसरे फ्लोर पर चलते हैं अभी इस डुप्लेक्स के। ग्राउंड फ्लोर पर एक ड्राइंग रूम के साथ 2 बेडरूम्स हैं, लॉन है पीछे घर में, और ये सीढ़ियां घर के अंदर से जाती हैं, जिनसे होकर हम जा रहे हैं पहले फ्लोर पर, जहां पर घर के बाकी कमरे हैं। वो किस तरीके से तैयार किए गए हैं, वो किस तरीके से सजाए गए हैं, आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। अरविंद केजरीवाल खुद, उनकी पत्नी, उनके माता पिता और अरविंद केजरीवाल के बेटा और बेटी, उस लिहाज से देखें तो 6 सदस्य हैं। और इस पूरे घर में अगर आप देखें तो 2 कमरे 2 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पर थे, उसके अलावा ये 3रा बेडरूम है जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको छोटा कमरा है, बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पूरे तरीके से इसको तैयार किया गया है। ये पूरी झलक आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम का नया घर पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप ये देखिए, एक और दूसरा कमरा है बच्चों के लिए, छोटा कमरा है, ये भी पूरी तरीके से तैयार किया गया है।
साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से सफाई के साथ बहुत अच्छे से सजाया गया है, इस घर को तैयार किया गया है, पेंट पूरी तरह से नया नजर आ रहा है यहाँ पर, खास मुख्यमंत्री के लिए इसको तैयार किया गया। और इसके अलावा अगर एक देखें तो एक और बेडरूम है जो बड़ा है, वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है, उसको अगर आप यहाँ देखें तो ये देखिए, ये पूरा बड़ा एक बेडरूम, ये भी फर्स्ट फ्लोर पर है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये अटैच्ड ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट यहीं पर है, बेडरूम के साथ अटैच्ड है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयार किया गया है पूरे घर को, और ये तैयार है, घर कभी भी शिफ्ट यहाँ पर किया जा सकता है, उसके लिए लगातार यहाँ पर काम हुआ और इस पूरे घर को तैयार कर लिया गया है। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप देखेंगे तो ये बालकनी है, बाहर एक ये बालकनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घर से अगर बाहर निकलकर धूप सेकना चाहें या बाहर बैठना चाहें तो उसके लिए बालकनी है। सामने लॉन नज़र आता है इससे, ये भी घर का ही लॉन है, ये पूरी तरीके से नज़र आता है, और साथ में ही कैंप ऑफिस है जहाँ पर मुख्यमंत्री काम किया करेंगे। तो ये पूरा जो घर है वो पूरे तरीके से तैयार यहाँ पर है, और वो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से पूरा तैयार हो चुका है घर, इसमें कभी भी अरविंद शिफ्ट कर सकते हैं। ये पूरी झलक हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा घर मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया गया है, और वो कभी भी दिल्ली में इस घर में शिफ्ट कर सकते हैं।